हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आर्ट ब्रेन क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं नर्व्स मॉडलिंग के और एक जबरदस्त टूल जो है लॉफ्ट। सो सरफेस के अंदर आपको सबसे पहला जो टूल मिलता है दैट इज द लॉफ्ट। मैं आपको रिवॉल्व बताया, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉफ्ट कैसे काम करते हैं। सो लॉफ्ट मॉडलिंग के लिए भी आपको चाहिए नर्व्स कर्व। सो हियर इज द कर्व टूल्स। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं मेरे जो शेल्फ है उस पर। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। ये सर्कल मैंने ले लिया। इसका कंट्रोल डी करूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और नीचे जो सर्कल है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा इसके शेप को। इसके दो दो वर्टेक्स पकड़ के मैं थोड़ा सा इसको स्केल कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्क्वायरिश फॉर्म पे आ जाए। थोड़ा स्क्वायर बन चुका है। अगर आप टॉप से देखोगे कुछ इस टाइप का बन चुका है ये। ये देखो, अभी मैं इस सर्कल का और एक कंट्रोल डी लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ उसको, मतलब डुप्लीकेट करके, और एक कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट लूंगा और थोड़ा सा अंदर की तरफ लेता हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका लॉफ्ट काम करता है। पहले चीज है लॉफ्ट वन बाय वन भी आप कर सकते हो, आप एक साथ में भी कर सकते हो, बट लॉफ्ट का एक सबसे पहला चीज है ये सिलेक्शन पाथ को समझते हैं। मतलब आप जिस एक के बाद एक जो सिलेक्ट करोगे वो वही पाथ पे लॉफ्ट करने वाला है। मैं सरफेस पे जाकर लॉफ्ट पे मैं लॉफ्ट को रिसेट कर देता हूं और मेरा सबसे पहला पार्ट मैं सिलेक्ट किया एंड गो टू द लॉफ्ट। ओके सी, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं इस कॉर्नर वाले जो शेप है उसको सिलेक्ट करता हूँ अंदर इसको, और वापस मैं लॉफ्ट यूज करूंगा। तो इस बार मैं कीबोर्ड से जी प्रेस करता हूँ, दैट मीन्स जो मेरा लॉफ्ट का काम करेगा, या फिर आप वापस यहाँ से भी कर सकते हो। वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा लास्ट वाला पार्ट, और अंदर वाला, और मैं लॉफ्ट यूज करता हूँ। अब देख सकते हो कितने खूबसूरत सा यहाँ पे तैयार हुआ है। मैं इसको ग्रुप करता हूँ कंट्रोल जी करके और मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये देखो, तो ये जो शेप है लाइक एक स्क्वायर से एक सर्कल तक आने का जो शेप है, ये शेप बनाते बनाते लोगों के दिन निकल जाते हैं, मगर लॉफ्ट से ये बहुत आसानी से बन सकते। और जो मैं पाथ की बात कर रहा था, पाथ आपका एक के बाद एक अगर सिलेक्ट करते हो तो ये पाथ क्रिएट करता है, तो उसमें शेप बदल जाता है। सिलेक्शन के ऊपर ये अपना डिजाइन चेंज करता है। लॉफ्ट के लिए आप कैसा भी शेप ले लो। ओके और दोनों शेप में लॉफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, लॉफ्ट यूज करने का सबसे इजी तरीका या फिर लॉफ्ट यूज करने का जो मेथड है ये मैंने आपको बताया। मैं ट्राई करूंगा मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको लॉफ्ट के थ्रू कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना के दिखाने का। तो तब तक के लिए कंटिन्यू कीजिए, साथ में रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल करके रखिए, ताकि जब भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।